प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर है। चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन के अंदर जल्दी से सॉल्व करते हैं। 11th की बुक सॉल्व करें जिसका नाम है SL अरोड़ा, और ये बहुत कारगर बुक है भाई, लगा लो नीट क्वालिफाई कर जाओगे गारंटेड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है भाई जान, डिटरमाइन द वेक्टर, एक वेक्टर डिटरमाइन करना आपको, विच व्हेन एडेड, जिसको हम ऐड करेंगे ए और बी के रिजल्टेंट में, ए और बी के रिजल्टेंट में आप उस वेक्टर को ऐड करो जिसको हमें फाइंड आउट करना, उस वेक्टर को ऐड करो। अगर आप ऐसा करते हो तो वो हमें एक यूनिट वेक्टर देगा जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो जेड एक्सिस की होगी। ओहो हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप लोगों को, एक बार और पढ़ो ध्यान से। हमसे कह रहा है डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी गिव्स द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अगर आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसको ए और बी के रिजल्टेंट के अंदर अगर ऐड कर दें तो एक यूनिट वेक्टर देकर जाएगा जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। और आपको बड़ा अच्छे से पता है कि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, वाई में कौन सा होता है और जेड में कौन सा होता है। एक्स के लिए आप आई रिप्रेजेंट करते हो, वाई के लिए जे, और जेड के लिए आप के का रिप्रेजेंटेशन करते हो यूनिट वेक्टर। तो ठीक है, हम मान लेते हैं लेट्स से अननोन वेक्टर इज सी, ये सी जो है ये अननोन वेक्टर जिसको आपको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है आपसे कह रहा है कि उसको हम ए और बी के रिजल्टेंट में ऐड करेंगे, तो पहले इनका रिजल्टेंट निकालो। लेट से आर वेक्टर बी द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जल्दी से निकालो रिजल्टेंट। आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना आपके पास 2i माइनस 4j माइनस 6k, इसमें बी को आपने ऐड किया है तो ये हो जाएगा 4i प्लस का 3j प्लस का 3k। ठीक है भाई, आर वेक्टर ये चल रहा है आपके पास, आर वेक्टर 2i और 4i जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6i, आई हो गया, जे वालों को देखेंगे ये माइनस का 4j है, ये प्लस का 3j है तो माइनस का जे बचा, के को देखेंगे तो माइनस का 6k है और ये प्लस का 3k है तो माइनस का 3k बचा। तो ए और बी का तो आपको रिजल्टेंट पता चल गया भैया, ठीक है, ए और बी का रिजल्टेंट आपको पता चल गया। अब बात आती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन ने कह रखा है आपको जो अननोन वेक्टर है उसको ऐड करना है रिजल्टेंट के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आपके पास एक यूनिट वेक्टर मिलेगा जेड एक्सिस की तरफ अगर आपने रिजल्टेंट के अंदर उस अननोन वेक्टर को ऐड किया। तो ऐसा करने के बाद जो आपको एक यूनिट वेक्टर मिलेगा और वो यूनिट वेक्टर जो होगा वो जेड एक्सिस की तरफ होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एक यूनिट वेक्टर मिल रहा है जो जेड एक्सिस की तरफ होगा, तो जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, के होता है। ये कब मिला आपको, जब आपने रिजल्टेंट में उस सी वेक्टर को ऐड किया। तो सी वेक्टर हमारे पास सी है, रिजल्टेंट कितना 6i माइनस जे माइनस 3k, तो इसको 6i माइनस जे माइनस 3k यही तो है भाई, एक बार देख लें 6i माइनस जे माइनस 3k, इसमें आपने किसको ऐड किया है, सी को। तो आपसे ये सी पूछ रहा है, तो सी निकालने के लिए आपको बाकी सब इधर को भेजना पड़ेगा, बिल्कुल। तो मैं इसको सही करके लिख लेता हूँ, सी वेक्टर ऐसा ही ये सब इधर को आ जाएगा, तो के माइनस के 6i प्लस का जे प्लस का 3k यही तो हुआ। ये इधर को आएगा तो माइनस का, ये माइनस का इधर को आएगा प्लस का, ये माइनस का इधर को आएगा प्लस का, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, अच्छा पहला आई वाला लिखेंगे तो माइनस का 6i, फिर जे वाला लिखेंगे तो प्लस का जे, फिर के वाला लिखेंगे 3k ये है और 1k ये है प्लस का 4k, तो माइनस का 6i प्लस का जे प्लस का 4k। तो ये आपके पास वो अननोन वेक्टर निकल कर आ चुका है जिसको आपसे फाइंड आउट करवा रहा। इसमें सिर्फ i जो है वो माइनस का है, बाकी दोनों प्लस के, देखो i माइनस का है बाकी दोनों प्लस के, तो माइनस का 6i प्लस का जे प्लस का 4k। तो क्या आप लोगों की समझ में नहीं आया, क्या कोई टफ क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ नहीं है, टफनेस बिल्कुल भी नहीं है, शार्पनेस है, वो आप चीज़ों को पकड़ो समझो बारीकी से, तभी आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने में मज़ा आएगा। आई होप आपकी समझ में आ चुका है, तो इसको जल्दी से उतार लें, सॉल्व कर लें, और वीडियो पसंद आई तो थम्सअप, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।